राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र में दिए किस बयान पर बवाल मचा हुआ है देख लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9-9 सेकंड में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, आज अंबाला पहुंचेगी। राहुल ने कहा कि यात्रा से देश के दिल की बात सुनने को मिली, बोले ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का पलटवार, बोले वो ना भूले कि वो नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर है, तपस्वी होने का ढोंग कर रहे हैं जबकि तपस्वी कभी दिखावा नहीं करते। कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर में की आरती। ब्रह्म सरोवर को परमपिता ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर कसा तंज। कहा मेकअप बदलने से रामलीला में कलाकार बदले जा सकते हैं, वास्तविक जिंदगी में इंसान नहीं पप्पू पप्पू ही रहता है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा जिसे पप्पू बताया जा रहा था आज वो ऐसी शानदार यात्रा निकाल रहा है, कभी नहीं हुई होगी। राहुल गांधी की यात्रा अद्भुत है जहां हर धर्म के लोग हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नंगे पांव चल रहे हैं कांग्रेस नेता चांडी ओमान। चांडी ओमान केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी के बेटे हैं। चांडी कन्याकुमारी से ही नंगे पांव चल रहे हैं। बांका से चलकर भागलपुर पहुंची बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने बढ़ती महंगाई सहित कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें। क्या महाराष्ट्र में एनसीपी की सरकार से करीबी बढ़ रही है? पुणे में एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। पिछले दिनों नेता विपक्ष अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के साथ सरकारी विमान से सफर किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा नरेंद्र मोदी नहीं नीतीश कुमार पीएम बनने के योग्य, पहली बार जेडीयू अध्यक्ष की ओर से सरा का बयान। अलवर में दलित परिवारों पर हुए हमले के मामले ने लिया सियासी रंग। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस घटना को हिंदुओं पर सोची समझी साजिश के तहत हुआ हमला करार दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बाद अपने परिवार के साथ मनाएंगे पहली लोहड़ी। पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ अपने गांव सतोच पहुंचे, नजदीकी लोग ही इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपनी समाधान यात्रा के दौरान सीवान के मदरसे पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बोले मदरसों की स्थिति में सुधार किया जा रहा है, हॉस्टल और कॉलेज बनाने का भी सुझाव दिया गया। बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने थाने में घुसकर डीएसपी को दी धमकी, बोले मेरा नाम याद रखना, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गैंगवार के मामले में कार्यकर्ता की हिरासत का कर रहे थे विरोध। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया वीडियो, राजनीति से दूर क्रिकेट नेट पे छक्के लगाते हुए नजर आए, बिहार के यंग प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस की। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी पर बीजेपी का तंज, निखिल आनंद बोले तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलकर राजनीतिक तनाव कम कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार दबाव कम करने के लिए दौरे पर निकल गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, कहा 4 साल बाद भी राज्य में सरकार विरोधी लहर नहीं, राजस्थान में फिर कांग्रेस सरकार का जताया भरोसा। हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार का कैबिनेट विस्तार, 7 नए कैबिनेट मंत्री बने, वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य को मंत्रिमंडल में जगह मिली। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट विस्तार पर जयराम ठाकुर का आरोप, कहा नए मंत्रिमंडल में क्षेत्र प्रतिनिधित्व का असंतुलन, सीपीएस की नियुक्तियों पर भी उठाए सवाल। बिहार के मोतिहारी में प्रशांत किशोर की जनस्वराज पदयात्रा का हुआ अधिवेशन, चुनाव लड़ने के मुद्दे पर लोगों ने वोट देकर किया समर्थन, पीके ने कहा लोग चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी बने जनस्वराज। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।